2009 में आए अवतार के फर्स्ट पार्ट ने VFX और CGI का स्टैंडर्ड सेट किया था। VFX और CGI ही था जिसकी वजह से अवतार सक्सेसफुल हुआ। अवतार मूवी में मोशन कैप्चर के न्यू एनिमेशन टेक्निक का यूज किया गया था। ये बात आपको नहीं पता होगी कि इस मूवी के एक सीन को रेंडर करने में 47 आवर्स लगे थे। जनरली मूवीज में एक सेकेंड के सीन में 24 फ्रेम्स होते हैं। अवतार में कुछ एक सेकेंड बनाने में 1128 आवर्स लगे थे, यानी 47 दिन लगे। अवतार पार्ट 1 सक्सेसफुल होने के बाद अवतार का पार्ट 2 2014 तक रिलीज करने का प्लान था, पर टेक्नोलॉजी के चलते मूवी को डिले करना पड़ा। लेकिन इस डिले का पछतावा जेम्स कैमरॉन को बिल्कुल भी नहीं है। उनके हिसाब से उन्हें जितना भी टाइम मिला उन्होंने वो स्टोरी को इम्प्रूव करने में लगाया। स्टोरी ही नहीं, नई टेक्नोलॉजी भी इन्वेंट हुई है, और यही वजह है कि दुनिया में पहली बार अवतार पार्ट 2 में अंडर वाटर मोशन कैप्चर देखने को मिलेगा। मोशन कैप्चर के लिए नॉर्मली ऑप्टिकल बेस सिस्टम का यूज होता है, जहाँ पे ट्रैकर से किसी भी कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट को मार्क किया जाता है। यही चीज जब पानी के अंदर होती है तो पानी लाइट को बेंड करती है, तो ट्रैकर मोशन को ट्रैक नहीं कर पाता। अल्टीमेटली मोशन कैप्चर में दिक्कत आती है, और अवतार 2 में यही न्यू टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया गया। पर अंडर वाटर मोशन कैप्चर करना इतना भी आसान नहीं है। इन सीन्स को शूट करने के लिए अडल्ट एक्टर्स को 7 मिनट तक और चाइल्ड एक्टर्स ने 2 से 3 मिनट तक सांस रोकने की ट्रेनिंग ली।